हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही मजेदार ड्रामा की, जिसमें एक सीओ को ब्लड से एलर्जी होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसकी बॉडी में भी तो खून ही दौड़ता होगा ना। हाँ, तो मेरा मतलब ये था कि उसको ब्लड फोबिया होता है और उसकी बीमारी बढ़ जाने के कारण उसे हर लाल रंग से दूर रखा जाता है, क्योंकि उसे रेड कलर से भी बहुत बुरी एलर्जी हो जाती है। वो जहाँ भी लाल रंग देखता है तो वहीं पर बेचारा चक्कर खाकर लुढ़क जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है हमारी खूबसूरत हीरोइन की, जिससे कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो ऐसा क्या होता है उन दोनों के बीच में, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर नए हैं चैनल पे तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन सारा से, जो कि एक बहुत ही बड़ी टॉय डिजाइनर बनना चाहती थी, और ये उसकी बचपन का सपना था, जिसके लिए वो अपने स्कूल के समय से ही सारी तैयारियां कर रही होती है। और आज वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रही है। और वहीं हम मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम लैंग है, जो कि एक फेमस टॉय कंपनी का सीईओ है। वो समय का बहुत ही ज्यादा पाबंद है, जिसे टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो कि अपना हर काम टाइम पर करता है। लेकिन उसे ब्लड फोबिया है, जिसके कारण उसे अब हर लाल चीजों से भी एलर्जी हो गई है, और इसलिए वह सन ग्लासेस पहनता है, जिससे कि उसे रेड कलर कहीं भी दिखाई ना दे। और तो और अपनी कंपनी के साथ साथ वो घर में भी लाल रंग की चीजें बिल्कुल भी नहीं रखता है। लेकिन यार, मेरा फेवरेट कलर तो रेड है। तो अब आप लोगों से यही सवाल है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारा उसकी कंपनी में ही इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ लैंग के गार्ड सारे लोगों को कोई भी लाल चीजें अंदर ले जाने के लिए मना कर रहे थे और उन सबसे सारी लाल चीजें बाहर निकलवा के रखवा रहे थे। लेकिन हमारी चालाक हीरोइन अपना फेवरेट रेड कलर का छोटा सा टॉय अपने पास ही रख लेती है बैग में। जैसे ही सारा फिर अंदर जाने लग जाती है, तो वो कंपनी में लगे हुए पोस्टर देखती है, जो कि बिल्कुल उसके बनाए हुए पेंटिंग की तरह लग रहा था। जहाँ पर अचानक से उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही पोस्टर है, जैसे कि उसने एक बार स्कूल की पेंटिंग कंपटीशन में बनाया था। लेकिन उसके ऊपर तो कैल्विन नाम के एक बंदे का नाम था, जो कि उसका क्लासमेट ही था और वो उसी के साथ में पढ़ता था, जिसका साफ मतलब यही है कि उसने ये पेंटिंग चुराई है। सारा फिर वहाँ पर कैल्विन के बारे में पूछताछ करने लग जाती है, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि वो तो उसी कंपनी का डायरेक्टर है, जो कि आज उन सबका इंटरव्यू लेने वाला है। सारा उसको देखकर कहती है, ये बाहर जो डिजाइन लगी हुई है वो मेरी है, और मेरे पास तो इसका प्रूफ भी है, वो डिजाइन आपने चोरी किया है। ये सुनने के बाद तो कैल्विन बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और अपने गार्ड्स को बुलाकर सारा को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। बाहर आकर सारा फिर कंपनी के मालिक से मिलने को कहती है, लेकिन गार्ड्स तो उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। जहाँ पर तभी लैंग की धमाकेदार एंट्री होती है। सारा उसे वहाँ पर कैल्विन की शिकायत करने लग जाती है कि आपके एम्प्लॉय ने मेरा डिजाइन चुराया है, क्या आपकी कंपनी का हर एम्प्लॉय ऐसा ही करता है। लैंग उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि मैं हर एम्प्लॉय पर नजर नहीं रखता हूँ, और ये सीईओ का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं यहाँ का सीईओ हूँ। ये कहकर वो जाने लग जाता है, लेकिन तभी सारा वोटाए उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि देखिए, ये है वो डिजाइन, जिसके कारण लैंग का चश्मा गिर जाता है, और क्योंकि वो ट्वाइल रेड कलर का था, उसे देखकर तो वही हमारा लैंग चकराकर वहीं पर लुढ़क जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लैंग अब कैल्विन को बुलाकर डिजाइन के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो सीधा सीधा झूठ बोल देता है, जिसके बाद लैंग अपने असिस्टेंट लू से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ सारा भी जैसे ही अपनी दोस्त सोबो के पास जाती है, उसे सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि कैल्विन ने उसकी डिजाइन चुराई है। जहां तभी उसके पास कैल्विन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले लो, लेकिन इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दो। लेकिन सारा इस बात से साफ इनकार कर देती है। वहीं नेक्स्ट डे जैसे ही लैंग अपने ऑफिस में पहुंचता है, तो सेक्रेटरी लू उसे बताता है कि आपके अंकल ने तो आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किए हैं, जिसमें आपको जरूर जाना पड़ेगा। लैंग एक रेस्टोरेंट में बैठकर उस लड़की का वेट कर रहा होता है, जिससे मिलने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। वहीं जोबो ने भी अपने सूत्रों के जरिए ये पता लगा लिया था कि लैंग कौन से रेस्टोरेंट में बैठा है, और ये बात वो जाकर सीधा सारा को बता देती है, और सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि वो अपनी डिजाइन के सिलसिले में लैंग से बात जो करना चाहती थी। जैसे ही लैंग की डेट वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि उसे बात करना चाहती थी, लेकिन लैंग तो वहाँ पर अपनी कंपनी का ही प्रमोशन करने लग जाता है। बोलता है कि देखो, ये हमारी कंपनी का टॉय है, जिससे कि तुम जितनी चाहे उतनी बातें कर सकती हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी बोर होने नहीं देगा। लेकिन उस लड़की को लैंग की ये सारी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और इसलिए वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। जहाँ पर तभी हमारी हीरोइन सारा पहुँच जाती है,
और लैंग पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी एम्प्लॉय ने मेरा डिजाइन चुराया है, और वो अपनी शर्ट हटाकर उसे दिखाने लग जाती है। लेकिन डिजाइन का रंग तो लाल था, जिसे देखकर हीरो को फिर से चक्कर आने लग जाते हैं, जो कि बस गिरने वाला होता है। लेकिन तभी सारा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका सर घूमना बंद हो जाता है। ये बात लैंग को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, और जैसे ही सारा फिर से वही डिजाइन दिखाती है तो फिर से उसका सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सारा के हाथ पकड़ते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लैंग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और इसलिए बार बार वो उसके शोल्डर पर हाथ रख रहा था, जहाँ पर सारा को लगता है कि शायद लैंग उसका मजाक उड़ा रहा है। और इसलिए वो गुस्से में वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी। लैंग ये बात चक्र सीधा अपने डॉक्टर हाई से डिस्कस कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि सारा के टच करने से मुझे चक्कर आने बंद हो जाते हैं। ये सुनकर तो डॉक्टर हाई भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जिनका यही कहना था कि अगर इससे तुम्हारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सकती है तो अच्छा तो यही होगा कि तुम उस लड़की के साथ में हमेशा रहो और उसे हमेशा ही अपने पास रखो, क्योंकि अब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। वहीं सेक्रेटरी लू ने भी लैंग को बता दिया था कि कैल्विन ने ही सारा की डिजाइन चुराई थी, और ये सुनने के बाद तो लैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो तो कैल्विन को जॉब से ही निकाल देता है। मीटिंग में लैंग सबके साथ में बैठा हुआ होता है, जहाँ सब लोग बिजनेस डिनर पार्टी में लैंग को जाने के लिए काफी फोर्स करने लग जाते हैं, क्योंकि ये डील उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन सेक्रेटरी लू ये कह के लैंग को वहाँ जाने से मना कर रहा होता है कि वहाँ की पार्टी का थीम रेड कलर होने वाला है, तो बेहतर यही होगा बॉस कि आप वहाँ पर ना ही जाएं। लेकिन तभी हमारे हीरो के दिमाग की बत्ती जलती है, और वो सेक्रेटरी लू से सारा के बारे में पूछता है। सारा का नाम सुनते ही सेक्रेटरी लू तो ऐसे घबरा रहा होता है जैसे कि सारा तो कोई भूत है। वो लैंग से कहता है कि बॉस आप उस लड़की से दूर ही रहें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन उसके बाद भी वो सारा से मिलने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है, लैंग ने अपने सनग्लासेस लगाए हुए थे और रेड कलर की कैन के साथ में खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ये टेस्ट करके देखना चाहता था कि क्या सच में सारा के छूते ही वो ठीक हो जाता है या फिर नहीं। सारा भी फिर उससे मिलने आती है, और वो देखती है कि हमारे हीरो ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, इसलिए वो भी अपने ग्लासेस पहन लेती है। जिसके बाद लैंग फिर उसे कैन देकर बोलता है कि पहले ये पियो और उसके बाद हम बाकी की आगे की बात करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे लैंग को कंफर्म हो जाता है कि सारा से उसकी बीमारी ठीक हो रही है और उसे चक्कर आने भी बंद हो गए। साथ ही वो उससे कहता है कि मैंने कैल्विन को जॉब से निकाल दिया है क्योंकि मुझे सच्चाई का पता चल गया था। मौके पे चौका मारते हुए लैंग सारा से पूछता है कि तुम टॉय डिजाइन पार्टी में मेरे साथ जाना चाहोगी, जिस पल तो पहले सारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरी एक छोटी सी शर्त है कि तुम्हें पूरी पार्टी में मेरा हाथ पकड़ के घूमना होगा। ये सुनते ही सारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो सड़क पर जा रही होती है तो वहाँ पर उसे एक लड़का काफी परेशान करने लग जाता है। सेक्रेटरी लू और लैंग भी वहीं पर घूम रहे होते हैं, और उसकी आवाज सुनकर वो दोनों ही सारा को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर लैंग उस लड़के के ऊपर उड़ती हुई किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का तो उल्टा लैंग को ही मुक्का मार देता है। और जब लैंग उसे दोबारा मारने जाता है तो उसकी रेड शर्ट देखकर तो उसे चक्कर ही आने लग जाते हैं, और वो लड़का भी वहां से भाग जाता है। सारा फिर उसे अपने घर ले जाती है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। लैंग उसे फिर से पार्टी में चलने के लिए कहता है और साथ ही उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी देता है, ये सोचकर कि शायद सारा मान जाएगी। लेकिन सारा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि आप दोनों खुद यहाँ से जाएंगे कि मैं आपको बाहर निकालूं, और यहाँ तो बेचारे बॉस की पोपट हो जाती है। सारा उसे फिर उसका कार्ड भी वापस कर देती है, लेकिन जैसे ही फिर लैंग उसे पार्टी का इनविटेशन दिखाता है और उसे देखकर तो सारा काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर सारा के सीनियर और उसके पसंदीदा डिजाइनर का फोटो लगा हुआ होता है, जिससे कि वह जाने के लिए पार्टी में रेडी हो जाती है। शाम के टाइम दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहां लाल रंग को देखकर तो पहले लैंग बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और सारा से कहता है कि पूरी पार्टी में मेरा हाथ पकड़कर घूमना और मुझे एक पल के लिए भी मत छोड़ना। दोनों फिर ऐसे ही साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर लैंग की बचपन की दोस्त लीना उन्हें मिल जाती है और दोनों को ऐसे हाथ पकड़ा हुआ देखकर उसे काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है। वो लैंग को अपने साथ चलने के लिए भी कहती है, लेकिन लैंग ने तो साफ इनकार ही कर दिया था, क्योंकि वो बेचारा तो मजबूर था और इस पार्टी में सारा के बिना तो कहीं जा ही नहीं सकता था। जिसके बाद वो जाकर मिस्टर शिन से मिलते हैं, जिन्होंने ये बिजनेस पार्टी दी थी, जो कि उनके एक ऐसे क्लाइंट है जिनसे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला था, और इसलिए लैंग सारा को लेकर मिस्टर शिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दोनों के बीच में डील हो जाती है, लेकिन मिस्टर शिन तो वही बिजनेस कार्ड लेकर कहीं गायब ही हो गए थे।
लैंग और सारा उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे जाते हैं, जहां पर कुछ लड़कियां लैंग को घेर लेती हैं, जिस कारण से उसका हाथ सारा से छूट जाता है और अचानक से ऊपर से बहुत सारी रेड कलर की चीजें उसके ऊपर गिरने लग जाती हैं और हमारे हीरो को चक्कर आने लग जाते हैं। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन सारा तभी आकर उसे पकड़ लेती है। सारा के छूते ही लैंग को होश आ जाता है, जिसके बाद वो सारा को उसके घर छोड़ देता है, साथ ही उसे कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ा देता है, जिसे सारा सुबह के साथ में बैठकर पढ़ रही होती है। और उसमें ये लिखा होता है कि लैंग चाहता है कि सारा उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और नेक्स्ट डे लैंग जब सारा का वेट कर रहा होता है, ये सोचकर कि शायद आज से वो अपनी असिस्टेंट की जॉब स्टार्ट करने वाली है, सारा गुस्से में आती है और उसे कहती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं है। ये बोलकर वो जा रही होती है कि लैंग उसे रोकते हुए बोलता है कि शायद तुमने इसका लास्ट पेज नहीं पढ़ा। सारा उसे लैंग के सामने पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि इसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा हाई है, जिस पर हमारा तड़ीबाज हीरो बहुत ही ज्यादा तड़ी मारते हुए कहता है कि सबको बस पैसा ही चाहिए होता है, शायद तुम्हें भी यही चाहिए। ये बात सुनते ही तो सारा आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम हर इंसान को पैसों से खरीद सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम मुझे पैसों से बिल्कुल नहीं खरीद सकते। साथ ही बोलती है कि तुम बिल्कुल उस गुंडे की तरह हो जो कि सनग्लासेस लगाकर यहाँ वहाँ आवारों की तरह घूमता रहता है, पागल खड़ूस कहीं का। ये सुनकर लैंग सेक्रेटरी लियो से पूछता है क्या ये सब कुछ मेरे बारे में था, जहाँ लियो से कहता है कि सर वो लड़की थोड़ा गुस्से में थी और इसलिए उसने ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन आप उसकी बातों को माइंड मत कीजिए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचारा हमारा हीरो हार नहीं मानता और अलग अलग तरीकों से सारा को मनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में लैंग अपने ऑफिस में होता है, जहाँ लीना की कॉल आती है, वो उसे अपने साथ लंच के लिए बुलाती है। पहले तो लैंग जाने से मना कर रहा था, लेकिन फिर वो मान जाता है। लीना लैंग का वेट कर रही होती है, वहीं सारा भी बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि इतनी सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही होती है, जहाँ अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। लैंग उस जगह पर लीना को मिलने के लिए पहुँचता है, लेकिन लीना और लैंग दोनों की नजर ही सारा पे पड़ती है, जहाँ लैंग लीना को छोड़कर सीधा सारा के पास चला जाता है। सारा उसे कहती है कि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर वो कहता है कि फिर तो तुम मेरी असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाती हो, वैसे भी यहाँ वहाँ जॉब के लिए ही तो घूम रही हो। ये सुनते ही सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि ये सब कुछ पक्का तुमने ही किया होगा, वैसे भी तुम अमीर लोग क्या ही जानो कि हम लोगों को अपनी जिंदगी कैसे कैसे जीने पड़ती है। ये सुनकर तो लैंग को भी काफी गुस्सा आने लग जाता है, सारा का हाथ पकड़ कर उसे बोलता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और तो और इनफैक्ट मेरे ऊपर मेरी कंपनी के हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। सारा गुस्से से उसका हाथ झड़क देती है, जिससे कि उसका चश्मा हट जाता है, और जैसे ही वह सारा की तरफ देखता है कि तभी लाल रंग की गाड़ी वहाँ से गुजरती है, जिसे देखकर बेचारा हीरो फिर से लुढ़क जाता है। सारा उसे देखकर फटाक से उसके पास पहुँचती है। नेक्स्ट सीन में लैंग बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा होता है, जहाँ सारा सेक्रेटरी लू से कहती है कि अब से ये मेरा पीछा ना करे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, जहाँ सेक्रेटरी लू भी उससे कहता है कि मिस आप मेरे बॉस को बिल्कुल गलत समझ रही हैं, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्विन का हाथ है। लैंग को भी होश आ जाता है, जहाँ वो भी कहता है कि हाँ ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि कैल्विन का ही किया धरा है, क्योंकि उसके काफी ज्यादा कनेक्शन है, और वो सेक्रेटरी लू को कैल्विन पर नजर रखने के लिए कहता है। जहाँ सारा भी उसे उसका ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है, और बाहर वह सेक्रेटरी लू और नर्स की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लैंग को ब्लड फोबिया है। ये सुनकर वो सब कुछ सोचने लग जाती है जो कि लैंग और सारा के बीच में हुआ था, और ये चेक करने के लिए कि क्या ये बात सच है, वो लैंग के पास रेड कलर की चटक मटक लिपस्टिक लाकर पहुंच जाती है, जिसे देखकर लैंग को फिर से चक्कर आने लग जाते हैं, और वो अपना हाथ जैसे ही सनग्लासेस की तरफ बढ़ाता है, सारा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है, जिस बात से सारा को भी काफी ज्यादा शॉक लगता है, और फाइनली उसे यकीन हो जाता है कि ये ब्लड फोबिया वाली बात बिल्कुल सच है। सारा उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में रेड कलर से एलर्जी है, लेकिन मेरे छूते ही ये कैसे ठीक हो जाता है। लैंग फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचता है, सारा फिर से वहाँ से उठने की कोशिश करती है, लेकिन लैंग उसे उठने नहीं देता, जहाँ पर तभी सेक्रेटरी लू पहुँच जाता है और उन्हें इस हालत में देखकर बोलता है कि मैं बाद में आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। लैंग फिर सारा को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देता है, जिसे सुनकर सारा फाइनली इस जॉब के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन 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 हमारी हीरोइन लैंग के सामने कुछ शर्तें रखती है, और जिसमें से सबसे पहले यही थी कि मुझे पहले टॉय डिजाइनर की जॉब चाहिए, उसके बाद मैं असिस्टेंट के लिए काम करूंगी। लैंग भी मान जाता है। नेक्स्ट डे सारा धमाकेदार एंट्री मारती है कंपनी में, और लैंग के ऑफिस में जाती है, जहां वो उसे कहता है कि अब से तुम मुझे सारी रेड कलर की चीजों से प्रोटेक्ट करोगी।
सारा भी हामी भरती है, लेकिन उसका हेयर क्लिप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा था और इसलिए लैंग उसे सेट करने लग जाता है। जहाँ पर तभी सेक्रेटरी लू और एक एम्प्लॉय वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये कहकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तभी लैंग सेक्रेटरी लू को कहता है कि सारा को डिजाइन डिपार्टमेंट में ले जाओ और उसे इसका सारा काम समझा दो। लैंग सारा की सारी डिटेल्स पूछ रहा होता है, जहां वो सेक्रेटरी लू को सारा को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है सारा ने अपनी शर्त में उससे कहा था कि तुम मुझे हमेशा बुला सकते हो, लेकिन जब कोई काम ना हो तो मुझे फालतू में मत बुलाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑफिस की बाकी की स्टाफ हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पर्सनल असिस्टेंट वाली बात को हम सीक्रेट ही रखें। जिस वजह से लैंग फिर उसे खुद बुलाने के लिए जाता है, जहां वो सारे एम्प्लॉयज का काम एक एक करके चेक कर रहा होता है और सारा के पास आकर उसे कहता है कि जैसे तुम्हारा काम फिनिश हो जाए मुझसे मिलने के लिए ऑफिस में आ जाना। ये बात सारा को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसके जाते ही सारे एम्प्लॉय उन दोनों के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। लैंग सारा को बाहर लेकर जाता है और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ होता है कि क्या आपने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया है? वैसे यहाँ तो मुझे कोई रेड कलर की चीज दिख नहीं रही है, तो फिर आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? लैंग बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ताजी हवा खिलाने के लिए लेकर आया हूँ, तो क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? सारा गुस्से में केक का चम्मच मोड़ देती है और कहती है कि मुझे फिर इतने छोटे से काम के लिए यहाँ पर मत बुलाना। ये देखकर तो बेचारा लैंग भी डर जाता है और वहाँ से तुरंत 9:11 हो जाता है। जहाँ पर तभी जोपा पहुँच जाती है, वो बहुत ज्यादा सैड थी और सारा के पूछने पर उसे बताती है कि मेरे बॉस ने कहा है कि अगर मैंने इस हफ्ते किसी फेमस इंसान का इंटरव्यू नहीं लिया तो वो मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। जिस पर सारा को एक ख्याल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें किसी फेमस इंसान का ही इंटरव्यू चाहिए ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने ही बॉस का इंटरव्यू दिलवा दूं। ये सुन के तो जोपा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सारा कुछ पेपर्स लेकर बॉस के कैबिन में जा रही होती है, तब वो एक लड़की से टकरा जाती है और सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर उस लड़की को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद वो लव लेटर्स हैं, और ये बात वो पूरे ऑफिस में फैला देती है कि सारा हमारे बॉस को प्रपोज करने जा रही है। जैसे ही ये बात सेक्रेटरी लू को पता चलती है, वो फटाक से बॉस के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि बॉस शायद सारा आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है और इसलिए आपको प्रपोज करने वाली है। जहाँ पहले तो लैंग को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही सारा का मैसेज आता है और उसमें ये लिखा होता है कि बॉस अगर आप फ्री हैं तो मुझसे मिल लीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लैंग को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो सोचता है कि शायद इस लड़की को थोड़ी गलत फहमी हो गई है, मुझे उसे अच्छे से मिलकर समझाना होगा और फिलहाल के लिए उसे दूरी बनानी होगी। लेकिन फिर सेक्रेटरी लू कहता है कि बॉस ये सारी खबरें तो ऑफिस में फैल रही हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि शायद वो लड़की आपको पसंद नहीं करती होगी। जहाँ पर लैंग भी अपनी तारीफें करते हुए बोलने लग जाता है कि क्यों, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो वो मुझे पसंद ना करे, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ तो शायद मुझे उसे दूर रहना चाहिए। और साथ ही सारा का रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन सारा उसे लिफ्ट में जाते हुए देख लेती है तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी और इसलिए वो फटाक से सीढ़ियों से नीचे जाती है। लैंग भी उसे देख लेता है और सेक्रेटरी लू उसे कहता है शायद इस लड़की को ज्यादा जल्दी पड़ी है मुझे प्रपोज करने की, आखिरकार मैं इतना हैंडसम जो हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं उसके मुंह पर मना करके उसका दिल तो नहीं तोड़ना चाहता। जहाँ वो लिफ्ट में ही सारा के लिए एक सैड सॉन्ग गाने लग जाता है और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और सारा उसे देख लेती है। लैंग सारा के हाथ में वो पेपर्स देखते हुए कहता है कि तुम बस मेरी असिस्टेंट बनने के काबिल ही हो और इससे ज्यादा हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता। सारा को उसकी बात समझ नहीं आती, वो फटाक से जाकर लैंग के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ लैंग उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो, आखिरकार मैं इतना हैंडसम जो हूँ, और तुम्हारे हाथों में ये लव लेटर है ना जो तुम मुझे देना चाहती हो, बट मैं तुम्हारे मुंह पे मना नहीं करना चाहता क्योंकि इससे तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। सारा उसकी बात सोचकर काफी हैरान हो जाती है और बोलती है लव लेटर, बॉस आपका दिमाग तो ठीक है ना, पहले इन पेपर्स को तो पढ़ लीजिए। और जैसे ही लैंग उन पेपर्स को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक इंटरव्यू का इनविटेशन है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बेचारे बॉस का तो पोपट ही बन गया था। सारा बोलती है कि आई होप आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और वैसे भी मैं आपको प्रपोज क्यों ही करने लगी, हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती और हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। लैंग भी उसको बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने, हमारी सोच नहीं मिलती और वैसे भी मैं ऐसे लोगों को अपना इंटरव्यू नहीं देता। ये बोलकर वो सारा को कार से बाहर निकाल देता है। जहाँ सारा मिस्टर शिन के बारे में काफी तारीफ करने लग जाती है कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं और सबको अपना इंटरव्यू भी देते हैं, ये बात लैंग सुन लेता है और बहुत ही ज्यादा जलने भुलने लग जाता है और सारा से बोलता है कि ठीक है मैं कल वाले इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, और जोबा को भी अपना इंटरव्यू दे देता है।
नेक्स्ट सीन में लैंग जब अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई जो कि अब वापस आ रहा है तो क्यों ना हम सब मिलकर एक फैमिली डिनर करें, जिससे कि लैंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद लैंग सारा को लेकर सीधा अपने भाई जैंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। सारा से उसे मिलवाता है और उसे एक सरप्राइज देते हुए कहता है कि अपने रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। जैंग जैसे ही अपने रूम का डोर खोलता है वो देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ की सारी चीजें लाल रंग की होती हैं। जिसे कि फिर जैंग को याद आता है कि जब वो और लैंग दोनों छोटे थे तब लैंग की बीमारी की वजह से ही उसे भी अपनी सारी फेवरेट लाल रंग की चीजों की कुर्बानी देनी पड़ी थी, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख रहता था। और इसलिए जैंग फिर अपने भाई लैंग से दूर रहने लग गया था और इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लीना भी जैंग से मिलने के लिए आई हुई थी लेकिन सारा को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सोचती है कि ये लड़की हर जगह क्यों पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में सारा की डायरेक्टर सबको काम दे रही होती है लेकिन उसने सारा को काम नहीं दिया था, इसलिए वो जाकर खुद उनसे काम मांग लेती है। लेकिन लैंग और डिजाइन दोनों का काम वो एक साथ नहीं कर पाती हैं, जिसके लिए फिर उसकी डायरेक्टर उसे कहती है कि अगर तुमसे काम नहीं हो पा रहा है तो मत करो ना। और फिर इसके बारे में सारा लैंग से जाकर बात करती है कि आपके काम के चक्कर में मुझे मेरी डिजाइन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसलिए प्लीज मुझे दिन में परेशान मत किया करो। लेकिन लैंग उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरा ही काम करना होगा। लैंग जब अपने घर पर होता है तो लिक्सी उससे मिलने के लिए उसके घर आई थी, साथ में एक पेंटिंग भी लेकर आई थी। जहाँ पर तभी लैंग फटाक से सारा को कॉल करके वहाँ पर आने के लिए कहता है लेकिन सारा ये बोलकर मना करने लग जाती है कि आज मेरा छुट्टी का टाइम है तो मैं नहीं आऊंगी। जिस पर लैंग उसे कहता है कि ठीक है तुम दिन में अपनी डिजाइनिंग का काम कर लेना और रात में मेरी असिस्टेंट का। ये सुनते ही सारा मान जाती है। वही लीना ने गलती से एक पॉट गिरा दिया था और उसे साफ करने ही जा रही होती है कि तभी लैंग उसे मना करने लग जाता है कि तुम बैठ जाओ। जहाँ पर तभी सारा पहुँच जाती है और लैंग उसे कहता है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो लीना को यहाँ से भगाने में। लेकिन सारा भी बहुत ज्यादा चढ़ती बोलती है कि अभी जो बात आपने फोन पे बोली थी मैं चाहती हूँ कि आप उसे दोबारा रिपीट करो ताकि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप अपनी बातों से मुकर भी जाते हैं। और ना चाहते हुए भी बेचारे हीरो को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। जिसके बाद सारा फटाक से उसके घर के अंदर आ जाती है और लैंग के कहने पर वहाँ की सफाई करने लग जाती है जो पॉट लीना ने गिराया था, और साथ ही पेंटिंग भी टंगा देती है। लेकिन अपना काम करते करते लीना को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है क्योंकि लैंग ने जो उसे ऐसा करने के लिए बोला था। लेकिन जैसे ही सारा पेंटिंग लगाने के बाद नीचे उतर रही होती है तो वो स्लिप हो जाती है, लेकिन तभी हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और गलती से सारा के लिप्स लैंग की फॉरहेड पे टच हो जाते हैं, जिसे देखकर लीना बहुत जोर से चिल्लाती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद सारा भी नीचे आ जाती है। सारा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो इसलिए वो ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है कि मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और मैं आपसे कल ऑफिस में मिलूंगी बॉस। लेकिन वो अपना फोन और बैग तो वहीं भूल गई थी, जिसे लौटाने के लिए लैंग उसके पीछे पीछे जाता है। और बाहर तो सारा ये सोच रही होती है कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक छोटा सा ही एक्सीडेंट था ना, तो मैं इसके बारे में बार बार क्यों सोच रही हूँ। और जैसे ही लैंग फिर उसे सामान लौटाने के लिए इसके पास आता है, सारा तो भाई बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और सामान लेकर फटाक से वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में एक लड़का रोज लेकर वहाँ से जा रहा था, जैसे ही लैंग उसे देखता है तो उसे अब चक्कर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और इसलिए वो रोज अपने घर में ही ले आता है। लेकिन हैरानी की बात तो यहाँ पर ये होती है कि लाल रंग देखने के बाद भी इस बार उसे चक्कर क्यों नहीं आ रहे थे। जिसके बाद वो अपने घर में सारी लाल रंग की चीजें ही लगा देता है। सेक्रेटरी लोगों को कॉल करके बोलता है कि मेरी कल की सारी मीटिंग कैंसिल करवा देना क्योंकि मैं कल पूरा दिन रेस्ट करना चाहता हूँ और ऑफिस नहीं आऊंगा। लैंग डॉक्टर हाई से मिलने के लिए जाता है जो कि उसका चेकअप कर रहे होते हैं, और जिसमें लैंग सो रहा होता है और अचानक से उसे एक सपना आने लग जाता है कि जब वो छोटा था तो उसका एक कार के साथ में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन फिर वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई और उसने उसके फॉरहेड पर किस कर लिया, जिससे कि उसे काफी रिलीफ मिला। ये सपना देखते देखते ही लैंग अचानक से उठ जाता है और जो भी सारा और उसके बीच में रात में कल हुआ था वो सारी बातें डॉक्टर हाई को बताते हुए कहता है कि कहीं ये सब कुछ उसी की वजह से तो नहीं हो रहा और इसलिए तो मैं ठीक नहीं हो गया। डॉक्टर हाई से कहते हैं कि मैं ये तो नहीं जानता कि सारे ने जो किस तुम्हारे फॉरहेड पे की थी उसका तुम्हारे सपने या बीमारी से कोई रिलेशन है या नहीं, साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हुई है या नहीं। फिलहाल तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा और इसके बारे में मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जिसके बाद लैंग डॉक्टर हाई को बाहर लेकर जाता है और उनके साथ हर उस जगह पर घूमता है जहां वो घूमना चाहता था लेकिन लाल रंग की वजह से नहीं घूम पाता था, और साथ ही वो खाना भी लाल रंग का ही ऑर्डर करवाता है। How cute!
वहीं लीना भी लैंग के द्वारा पोस्ट की हुई फूट की फोटो देख लेती है और उसे तो यही लग रहा होता है कि शायद वह सारा के साथ ही गया हुआ होगा, तो इसलिए वो चेक करने के लिए फटाक से जैंग को लेकर लैंग के घर पे पहुंच जाती है, जहां से उसे ये पता चलता है कि वो सारा के साथ में ईवल की डॉक्टर हाई के साथ में गया हुआ है बाहर, जिससे कि लीना को तो काफी ज्यादा सुकून मिलता है। जिसके बाद वो सारा को लेकर एक पेंटिंग एक्सिबिशन में पहुंच जाता है, जहां वो उसे ये सच बताना चाहता था कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसे लाल रंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जहां पर तभी जैंग लाल रंग की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर उसके सामने आ रहा होता है, जिसे देखकर सारा फटाक से लैंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि बॉस आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। लैंग भी ये सोचकर मुस्कुराने लग जाता है कि मैं भी इसे सच बताऊं या फिर ना बताऊं, हो सकता है कि शायद सच जाने के बाद शायद इसे अभी थोड़ा सा बुरा लग सकता है, तो क्यों ना मैं थोड़ी एक्टिंग ही कर लेता हूं। जिसके बाद हमारी झल्ली हीरोइन पूरी पार्टी में लैंग का हाथ पकड़कर ही घूम रही होती है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और वॉशरूम जाने से पहले वे ये बोलकर जाती है कि आप अपने सनग्लासेस लगा लीजिए और मैं जल्दी आ जाऊंगी। जैसे ही वो फिर बाहर आती है, देखती है कि लैंग थोड़ा सा झुका हुआ था, जहाँ उसे लगता है कि शायद उसे फिर से चक्कर आ गया होगा, और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो लैंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे बस सच बता नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी सारा को एक पेंटिंग दिखा देती है और वो बोलते है कि शायद ये भी कैल्विन ने ही चुराई होगी, और इसलिए सच का पता लगाने के लिए लैंग फिर सेक्रेटरी लू से उस पेंटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। सारा ये नोटिस करती है कि इस पेंटिंग में लाल रंग होने के बावजूद भी बॉस को चक्कर नहीं आ रहे हैं, और फाइनली लैंग भी उससे बता देता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और ये सच बताने के लिए मैं तुम्हें इस पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर आया था। जहाँ सारा भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, बोलते कि अब फाइनली मुझे आपकी असिस्टेंट बनके नहीं घूमना पड़ेगा और मैं अपनी डिजाइन पर भी ध्यान दे पाऊंगी। सारा तो इतनी ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ लैंग उसे कहता है कि इसमें इतना खुश होने वाली भी क्या बात है। नेक्स्ट डे लैंग ने एक मीटिंग बुलवाई होती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि वो पेंटिंग कैल्विन की नहीं है। साथ ही सेक्रेटरी लू ये भी कहता है कि वो पेंटिंग सैम नाम के एक बंदे की है, जो कि अभी सिटी में नहीं है बल्कि वो कहीं बाहर गया हुआ है, जिसका साफ मतलब यही है कि अगर उन्हें उस पेंटिंग के कॉपीराइट चाहिए तो इसके लिए उन्हें सैम के साइन चाहिए होंगे, लेकिन वो तो अभी बाहर गया हुआ है और ये साइन उन्हें जल्द से जल्द चाहिए होंगे, तो इसलिए साइन करवाने के लिए वो जैंग को वहाँ पर भेजते हैं, जिसके साथ में लीना भी जाती है क्योंकि जैंग को पेंटिंग वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन वहाँ जाते ही उन दोनों से बहुत ही बड़ी वाली गड़बड़ हो जाती है। गांव के लोगों का एक बहुत ही कीमती पत्थर उनसे टूट जाता है, जो कि गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसके हर जाने के लिए लैंग को फाइनली वहाँ पर जाना पड़ता है और अपने साथ में वो सारा को भी ले जाता है। वो जैंग और लीना को छुड़ाकर उन्हें वहाँ से वापस भेज देते हैं, लेकिन सारा और लैंग साइन करवाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन जब वो लोग होटल में रुकने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही रूम था। लैंग के ये बोलने पर कि यहाँ पर तो बेड भी एक है, हम लोग सोएंगे कैसे, तो सारा कहती है कि हम लोग बीच में एक पर्दा ढलकर सो सकते हैं। जिसके बाद दोनों बारी बारी से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और सारा आकर सो जाती है, और जैसे ही लैंग फ्रेश होकर वापस आता है, देखता है कि सारा का एक पैर तो पर्दे से बाहर लैंग की साइड में आ रहा होता है, और इसलिए जैसे ही लैंग फिर उसका पैर उठाकर उसके साइड में रख रहा होता है, तो सारा नींद में ही लैंग को हग कर लेती है और उसे छोड़े नहीं रही होती है, जिससे कि पर्दा भी गिर जाता है। बेचारे लैंग की सारी रात ही पर्दे और सारा को एडजस्ट करने में निकल जाती है, जिससे कि बेचारा हमारा हीरो तो पूरी रात सो ही नहीं पाता सही से। नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से पेंटर सैम के तलाश के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें तभी मिस्टर शिन फोटो शूट करते हुए दिख जाते हैं, जिनसे वो सैम के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो सैम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसके बाद सारा और लैंग वो दोनों ही घूमते घूमते एक घर के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि पेंटर सैम का ही होता है, लेकिन पेंटर सैम तो घर के अंदर छुपा हुआ था, वो तो बाहर ही नहीं आ रहा था। वो लोग आपस में लेटर्स के जरिए बात करने लग जाते हैं। लैंग के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पर भी पेंटर सैम उन लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने से साफ साफ इनकार कर रहा होता है, साथ ही उन्हें वहां से भगाने के लिए वो दोनों पे पानी भी फेंक देता है। लेकिन फिर वो दोनों भी हार नहीं मानते और उसके घर के सामने ही वो दोनों भी टेंट लगाकर रहने लग जाते हैं, साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी टेंट में सो भी जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो लैंग देखता है कि घर से कोई बाहर छुपकर आ रहा है, लेकिन उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। लैंग जाकर फटाक से उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसके चेहरा देखते है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिन होता है। मिस्टर शिन के ये पूछने पर कि तुम मुझे कैसे पहचान पाए, लैंग उनसे कहता है कि जब मैंने आपको कल फोटोशूट में देखा था तो आपकी शर्ट पर पेंट लगा हुआ था, और मैं तो उसी टाइम समझ गया था कि पेंटर सैम कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। लेकिन उसके बाद भी मिस्टर शिन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी नहीं भर रहे होते हैं, बट हमारे हीरो हीरोइन भी हार नहीं मानते और वो उसकी सारे काम में हेल्प करने लग जाते हैं,
जो कि शिन को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट डे लैंग सारा से कहता है कि लगता है कि मिस्टर शिन की यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इन यादों को वो याद रखें, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। शिन ने भी उनकी बातें सुन ली थी और वहाँ वो अपने बचपन की कुछ बातें बताते हुए उन्हें बोलता है कि मैं अपनी दादी के साथ में यहीं पर रहता था, मेरी दादी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया और साथ ही उन्होंने मुझे क्यूट और प्यारी सी कैट भी ला कर दी थी, लेकिन वो दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए, जिनकी याद में फिर मैंने ये सारी पेंटिंग बनाना शुरू किया। जहाँ पर लैंग भी फिर उसे अपना पेंटिंग टॉय दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मान जाओगे तो इसे हम बहुत ही सारे बच्चों के फेस पर स्माइल ला सकते हैं। ये सुनने के बाद शिन काफी खुश हो गया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। मिस्टर शिन को मनाने के बाद फिर सारा और लैंग वहाँ से निकल जाते हैं और वो भी एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर। जहाँ पर हमारा हीरो तो फर्स्ट टाइम किसी ट्रैक्टर के ऊपर बैठा था तो इसलिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में तो हड़कंप मच चुका था, क्योंकि लैंग को पता चल गया था कि ये न्यूज लीक हो चुकी है कि जो कैट टॉय उनके कंपनी ने बनाया है उनके पास इसका कॉपीराइट नहीं है और जल्दी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सैंग बहुत ज्यादा घबरा चुका था, फटाक से लैंग को फोन करके उसे सब कुछ बता देता है, जहां लैंग कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, साथ ही हमने साइन भी ले लिए हैं। लेकिन उनकी इस खराब किस्मत की तरह उनका ट्रैक्टर भी पूरी तरह से खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती है, साथ ही लैंग के तो पूरे कपड़े भी भीग चुके थे, जहां सारा उसे अपनी एक जैकेट पहनने को देती है। लैंग हेल्प के लिए डॉक्टर हाई को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो और थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही अचानक से सिग्नल आता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्लिपर्स होने वाला होता है, लेकिन तभी सारा उसे पकड़ लेती है, जिसके चक्कर में वो तो उसी के ऊपर गिर जाती है और इस बार लैंग से सारा के फोरहेड पर किस हो जाती है, जिसके लिए लैंग उसे सॉरी तो बोलता है, लेकिन साथ ही साथ मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है ये सोच सोच कर कि ये किस बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। वहीं जैसे ही डॉक्टर हाई को लैंग का मैसेज मिलता है वो फटाक से उसे लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में डॉक्टर हाई से जोबो की गाड़ी का शीशा ही टूट जाता है। जोबो उसे रास्ते में ही रोक लेती है, लेकिन डॉक्टर हाई को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी तो इसलिए वो कार्ड पकड़ाता है और वहाँ से निकल लेता है। वहीं ऑफिस में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो चुकी थी, सब लोग लैंग का ही वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर हाई भी उन दोनों को वहां से लेकर ही आ रहा होता है, लेकिन वो गाड़ी इतनी ज्यादा स्लो चला रहा होता है कि सारा फिर उसके जगह पे शिफ्ट हो जाती है और इतनी जोर से गाड़ी चलाती है कि भाई लैंग की तो हालत ही खराब हो जाती है, जिसे तो यही लगने लग गया था कि शायद आज उनकी लाइफ का आखिरी दिन है। जैसे तैसे करके वो लोग कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं, जहां पर लैंग सबको बता देता है कि उनके पास इस टॉय के सारे राइट्स हैं, जिससे कि उनकी कॉन्फ्रेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसके बाद जैंग और लीना लैंग को लेकर उनके अंकल के पास जाते हैं और अंकल तो लैंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं, जिससे कि जैंग को काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है, क्योंकि वो हमेशा लैंग की ही तारीफ किया करते हैं और इसलिए जैंग वहाँ से गुस्सा होकर निकल लेता है, जहाँ लीना भी उसे पीछे पीछे उसके मनाने के लिए चली जाती है। और अंकल के ये बोलने पर कि मैं तुम्हारे लिए फिर से ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रहा हूँ, लैंग उनको बोलता है कि अंकल अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है। वापस जाते टाइम वो सेक्रेटरी लू को कॉल करके उसे बता देता है कि उसे सारा बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो साथ ही वो सेक्रेटरी से सारा को पटाने के तरीके भी पूछता है। सेक्रेटरी लू पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फाइनली फिर उसे वो सारे तरीके बताने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे ऑफिस का दिखाया जाता है, पूरे ऑफिस में सिर्फ लैंग की ही फोटोज लगी हुई होती है, जिन्हें देख कर सारा काफी शॉक हो जाती है, सबसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ तभी सेक्रेटरी लू आकर बोलता है कि बॉस ने कल की कॉन्फ्रेंस को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, तो इसलिए हम सब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिसके बाद डिजाइन डायरेक्टर उन सबको आकर बताती है कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रमोशन इवेंट होने वाला है और वहाँ पर सबका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तभी लैंग भी सारा को लंच के लिए कॉल करता है, लेकिन वो ये बोलकर जाने से मना कर देती है कि प्रमोशनल इवेंट में जाना उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे हीरो से रहा नहीं जाता और वो भी फटाक से वहीं पर सेक्रेटरी लू को लेकर पहुंच जाता है। सारा एक टॉय कॉस्ट्यूम में होती है, एक बच्चा उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है और सारा तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी इस टॉय कॉस्ट्यूम में। जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है, सामने से उसके लैंग आ रहा होता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया हूं, और उसके बाद दोनों साथ में लंच करने लग जाते हैं। लैंग तो बस सारा के हाथों को ही घूर रहा होता है, क्योंकि सेक्रेटरी लू ने उसे कहा था कि अगर एक्सीडेंटली लड़का लड़की के हैंड्स अचानक से ही टच हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक समा बन जाता है, और इसलिए बेचारा हमारा हीरो बार बार कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है।
सारा का तो पूरा ध्यान खाने पर ही लगा हुआ था, लेकिन वो भी बॉस को ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नोटिस कर लेती है। और उसके ये पूछने पर कि बॉस आप मेरा हाथ बार बार क्यों घूर रहे हो, लैंग बोलता है कि मैंने आज ही हाथ की रेखाएं पढ़ना सीखा है और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी हाथ की रेखाएं भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन सारा उसे मना कर देती है कि नहीं नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। लो तो बॉस का ये प्लान तो फेल हो गया था, तो इसलिए वो सेक्रेटरी लू को कॉल करके उससे दूसरा आइडिया पूछते हैं। लू भी फिर मजे मजे में बोलता है कि बॉस आपको ड्रंक होने की एक्टिंग करनी चाहिए सारा के सामने, क्योंकि ड्रंक इंसान के सामने तो अक्सर लोग सच ही बोलते हैं, तो अगर सारा को सच में आपसे प्यार होगा तो वो आपको बता देगी। जिसके बाद लैंग भी अपने ऊपर वाइन शन गिरा लेता है, अपना हुलिया बिगाड़ लेता है और सारा को फोन करके बुलाता है। जैसे ही सारा वहाँ जाती है देखती है कि बॉस ने तो लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए उसे उठा के उसके घर लेकर जाती है और ले जाके उसे उसके बेड पे ही पटक देती है। लैंग को घूमने लग जाती है और बोलती है कि बॉस आप आज बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर सोचती है कि अचानक से ये मुझे क्या हो गया था और वहाँ से भाग जाती है। लैंग उठ के सोचने लग जाता है कि इसने कुछ और क्यों नहीं कहा, लेकिन तभी सारा वापस से आती है लेमन वाटर लेकर और लैंग बेचारा हड़बड़ी में बेड पे लेटने की वजह नीचे ही गिर जाता है। सारा उसे उठाकर दोबारा से बेड पर लेटा रही होती है, जहां वो उसे कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तो तुम उसे जो मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। जिस पर सारा उसे कहती है कि मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि अगर आप ठीक हो ही चुके हो तो अब मैं ये असिस्टेंट की जॉब छोड़ना चाहती हूँ और अब प्लीज आप मुझे बार बार फालतू में बुलाना बंद कीजिए। जिसमें लैंग भी हामी भर देता है और सारा वहाँ से चली जाती है। और बॉस का तो ये प्लान भी चौपट हो जाता है। बेचारा सोचने लग जाता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि शायद ये बोलेगी कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। जैसे ही फिर सारा अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पे उसे मिस्टर शिन की कॉल आती है, जो कि उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में कल एक चैरिटी इवेंट में जाएं। जहाँ पर लैंग उससे कॉल करके लंच के लिए पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। ये बात लैंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो भी सेक्रेटरी लोगों को लेकर उसी सेम चैरिटी इवेंट में पहुँच जाता है और सारा की हेल्प करने लग जाता है, जिसे देखकर सारा पहले तो डर जाती है, धीरे धीरे वो पीछे की ओर हटने लग जाती है, जहाँ मिस्टर शिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तो लैंग को काफी ज्यादा जलन होने लग गई थी। वो भी सारा का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही सारा को अपनी ओर खींचने लग जाते हैं, जहां पर तभी उस इवेंट की मैनेजर पहुंच जाती है और कहती है कि लैंग की कंपनी ने इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी दी है, तो इसलिए हमने उन्हें स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। साथ ही वो उसे अपनी बिल्ली पकड़ाने लग जाती है, लेकिन लैंग को बिल्लियाँ पसंद ही नहीं थी और इसलिए वो सारा को इशारा करने लग जाता है, तो सारा उसे वहाँ से भगा देती है। और दोबारा से एक बिल्ली लैंग के पास पहुंच जाती है। लैंग को फिर से डर लगता है, वो फिर से सारा को बुला लेता है, लेकिन सारा उसको बोलती है कि बॉस आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो उसके पास आने लग जाती है, लैंग सोचता है कि शायद वो मुझे किस करने के लिए आ रही है, लेकिन सारा उसके पास आके बोलती है कि बॉस आपका परफ्यूम तो काफी अच्छा है। वो लोग इतने ज्यादा करीब होते हैं और मौके पे चौका मारते हुए सेक्रेटरी लू भी उनकी फोटो खींच ही लेता है। स्पीच देने के बाद लैंग वो सारी फोटोज देख रहा होता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वही मिस्टर शिन सारा को थैंक यू बोलते हुए उसे नेकलेस पहना रहे होते हैं, जिसे लैंग देख लेता है और वो जाकर फटाक से सारा को वहाँ से ले जाता है, जो कि सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि बॉस ये क्या हरकत थी। लैंग बोलता है कि मैंने क्या किया, जो भी करा था वो मिस्टर शिन करा था और वो तुम्हारे फेस को कैसे छू सकता है। जिसके बाद सारा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। बॉस का ये सेकंड प्लान भी फेल हो गया था, तो इसलिए वो सेक्रेटरी लू से फिर से हेल्प मांगता है। सेक्रेटरी लू फिर सारा को ये सोचकर दो मूवी टिकट्स देता है और बोलता है कि देखना बॉस वो आपको ही लेकर जाएगी। वहीं लैंग फिर जाकर सीधा डॉक्टर हाई से मिलता है और उनको बता देता है कि वो सारा को लाइक करता है। साथ ही बोलता है कि अगर वो मुझे अपने साथ मूवी पर नहीं लेकर गई तो 100% वो अपनी फ्रेंड जोबो को ही लेकर जाएगी और मैं ये देखना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले, ताकि उनको ये लगे कि हम लोग इत्तेफाक से मिले हैं। जिसके बाद वो दोनों लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर तभी सारा पहुंच जाती है, लेकिन उसके साथ जोवो नहीं बल्कि मिस्टर शिन होते हैं, जिसे देखकर तो लैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और दोनों अपनी शक्लें मेन्यू कार्ड के पीछे छुपा लेते हैं और बैठकर उन दोनों पर नजर रखे हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। जहां सारा मिस्टर शिन से बोलती है कि बॉस ने आपके साथ कल जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए आपको सॉरी बोलने के लिए मैं आपको आज मूवी पर लेकर आई हूं। लैंग भी डॉक्टर हाई से कहता है कि मैं इन दोनों को अकेले अंधेरे में मूवी देखने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं भी उनके पीछे जाऊंगा, और ये बोलकर वो डॉक्टर हाई को खींच कर ले जाता है। मूवी हॉल में सारा उन दोनों को देख लेती है, बोलती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ लैंग उससे कहता है कि हम भी तुम्हारी तरह ही मूवी देखने आए हैं।
जहां पर तभी एक लड़की लैंग के प्लान के अकॉर्डिंग गुलाब लेकर आई हुई होती है, क्योंकि लैंग ने तो सोचा था कि जब वो सारा के साथ में आएगा तो ये गुलाब वो सारा को देगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए वो गुलाब उसे मजबूरन डॉक्टर हाई को देना पड़ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा गलत समझने लग जाते हैं और बहुत हंसते हैं। जहाँ फिर डॉक्टर हाई कहते हैं कि हम बस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जैसे ही फिर मूवी फिनिश होती है तो लैंग सारा से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मिस्टर शिंग से टोकते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ मूवी देखने आए हो ना, तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग साथ में डिनर के लिए जाएंगे। जहाँ फिर लैंग भी उनके साथ जबरदस्ती चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों स्ट्रीट फूड खाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां लैंग और मिस्टर शिन दोनों में बियर कंपटीशन होने लग जाता है। दोनों बहुत ज्यादा पीने लग जाते हैं, सारा उन्हें रोकती है लेकिन उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, और वो लोग इतने ज्यादा नशे में हो गए थे कि उन्हें तो बिल्कुल होश भी नहीं था। दोनों ही फिर इस बात पे लड़ने लग जाते हैं कि सारा को घर कौन छोड़ेगा। बेचारी हमारी हीरोइन दोनों को संभाल नहीं पाती, इसलिए जोबो को बुला लेती है। जोबो भी उन दोनों की हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसके बाद वो उन्हें उठाकर एक होटल रूम में लेकर जाते हैं, जहां पर सिर्फ एक ही रूम मौजूद था, तो इसलिए वो उन दोनों को एक ही बेड पर पटक कर वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उन दोनों को होश आता है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों साथ में क्यों सो रहे हैं और सारा हमें एक ही रूम में कैसे सुला सकती है। जिसके बाद मिस्टर शिन के ये पूछने पर कि क्या तुम सारा को लाइक करते हो, लैंग हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि वैसे भी वो तुम जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। जहाँ फिर मिस्टर शिन भी हार नहीं मानता, बोलता है कि ठीक है तो फिर हम लोग कॉम्पिटिशन कर लेते हैं, जो भी जीत गया सारा उसकी होगी, जो बात लैंग को भी काफी पसंद आती है। और उसके बाद वो सेक्रेटरी लू से दूसरे आइडियाज मांगने लग जाता है, जहाँ सेक्रेटरी लू से बोलता है कि बॉस आप एक काम कीजिए, इस बार आप एक ब्लाइंड डेट पर चले जाइए, और अगर सारा को जलसी हुई तो इसका मतलब यही हुआ कि हाँ वो आपको पसंद करती है। वही मिस्टर शिन भी सारा को कॉल करके बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक परफ्यूम बनाया है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसके लिए सारा मान जाती है। वही लैंग भी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी डेट का वेट कर रहा होता है, जहाँ पर सारा पहुंच जाती है, लेकिन लैंग को सीधा ही इग्नोर मारकर मिस्टर शिन के पास चली जाती है, और ये बात लैंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लैंग की डेट वहाँ पे पहुंच जाती है, लेकिन लैंग का सारा ध्यान तो सारा के ऊपर ही होता है। वो लड़की लैंग से कहती है कि हम लोग जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन लैंग कहता है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद वो उसे एक बैग देता है। सारा भी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे काफी जलन होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं फिर मिस्टर शिन सारा को बाहर लेकर जाने लग जाता है, लेकिन वहां पर लैंग उसे रोकते हुए बोलता है कि सारा मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन मिस्टर शिन उसे जाने नहीं देता, बोलता है कि आज वो मेरे साथ है तो वो नहीं जाएगी, और इसी बात पे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जहाँ सारा फिर उनको शांत कराती है और मिस्टर शिन को बोलती है कि मैं आपके साथ में नेक्स्ट टाइम चलूंगी, और वहां से बाहर निकल आती है। लैंग भी उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें प्ले बॉय से बचा रहा था, जिस पर सारा बोलती है कि अगर वो प्ले बॉय है तो फिर आप क्या हो, आप भी तो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर घूम रहे हो ना दूसरी लड़कियों के साथ में। ये बात सुनकर लैंग स्माइल करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है, जहाँ पर वो फाइनली अपनी सारी दिल की बात उसे बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, ये सब बताने की मैंने तुम्हें बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी बुद्धू हो कि तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। रही बात ब्लाइंड डेट की, तो मैं जान पूछ कर इस ब्लाइंड डेट पर तुम्हारे सामने आया था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि इससे तुम्हें जलन होती है कि नहीं, और मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। सारा के सामने अपने प्यार का कन्फेशन कर दिया था, लेकिन सारा उसे ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लैंग कभी कुछ समझ नहीं आता, फटाक से सेक्रेटरी लू को फोन करता है और ये सब कुछ बता देता है, जहाँ सेक्रेटरी लू से शांत बना देते हुए बोलता है कि लगता है कि बॉस सारा ने आपको दूसरी लड़की के साथ में देखा है, तो इसलिए उसको कुछ ज्यादा ही जलन हो गई होगी और शायद इसलिए वो आपसे गुस्सा होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे जाके मनाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सारा ऐसी फोटो खींचते हुए धूप में घूम रही होती है, जहाँ अचानक से लैंग पहुँच जाता है, जो कि उसे मनाने के लिए उसे एक कैंडी देता है। सारा उसे लेने से इनकार कर रही होती है, जिससे कि बेचारा हमारा हीरो सैड हो जाता है, और इसलिए सारा फिर उसे ले लेती है। साथ ही ये भी बोलती है कि अब आप ये मत समझ लेना कि अगर मैंने ये कैंडी ले ली है तो मैं मान गई हूँ। वही लीना के कहने पर सैंग लैंग को कॉल करके डिनर के लिए बुलाता है, जहां पर लैंग तो पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने साथ में सारा को भी लेकर आया हुआ था, जिसे देखकर तो लीना बहुत ही बुरी तरह से जल भुन जाती है। बोलती है कि ये लड़की पता नहीं इसका पीछा कब छोड़ेगी। जहां वो सारा को जलाने के लिए लैंग से कहती है कि मुझे इस बार बहुत ही अच्छा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। ये बात सुनकर सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही फिर उनका डिनर फिनिश होता है तो लैंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, साथ ही उसे पूछता है कि तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया।
सारा उसे कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम दो, और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो हमारा आगे शायद कुछ नहीं हो पाएगा। लैंग भी उसे जाते जाते बोल देता है कि तो ठीक है देख लेना, कल से तुम मेरा बिल्कुल ही अलग रूप देखोगी। और हाँ, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, हम साथ में सारा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए जाएंगे। सारा वहां से हंसकर चली जाती है। नेक्स्ट डे लैंग उसे लेने के लिए जाता है, सारा के लिए कार का डोर ओपन करता है, उसकी सीट बेल्ट लगाता है और बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। सारा उसे बोलती है कि तुम जैसे ही हो तुम वैसे ही रहो, तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर चले जाते हैं और लीना के लिए लैंग एक बहुत ही गंदी सी डिजाइन का नेकलेस पसंद कर रहा होता है। सारा उसे ये कह के मना करने लग जाती है कि रहने दो, शायद ये डिजाइन लीना को पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भद्दा दिख रहा है, और उसके ऊपर हंसने लग जाती है। जैंग भी सेम शॉप में ही लीना के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हुआ होता है। सारा उसे देखकर उसे आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन लैंग उसके मुंह पर हाथ रखते हुए इसे रोक लेता है। साथ ही बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और वो जैंग जैसा ही ब्रेसलेट लीना के लिए गिफ्ट में खरीद लेता है। नेक्स्ट डे वो सब लीना का बर्थडे एक बीच पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ही लैंग लीना को बर्थडे गिफ्ट देता है, उसे देखकर जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने वैसा ही सेम ब्रेसलेट लिया था जैसा कि जैंग ने लिया था। जैंग लीना का केक लेकर आता है, और जैसे ही वो केक कट करने जा रही होती है और विश मांगती है, लैंग उसे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी, तो वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिसे सुनकर लैंग शॉक होकर बोलता है कि मैं तो तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ। लीना भी वहाँ पर हंसने लग जाती है, बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, बस तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। बिचारी लीना का तो दिल ही टूट गया था, और इसी गम में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जैसे ही लैंग पहुंचता है, वो देखता है कि सारा काम कर रही है, और फिर उसे याद आता है कि सारा को काम के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो इसलिए वो उसके लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करवा देता है और मैसेज करके उसे बोलता है कि ये तुम खा लेना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ये देखकर सारा भी खुश हो जाती है, और वो भी उसे एक प्यारे से स्माइली भेज देती है, जिससे कि हीरो भी थोड़ा खुश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जैंग लीना को उठाकर लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। और फाइनली यहाँ पर जैंग लीना को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन लीना को थोड़ा थोड़ा होश होता है, और ये सुनकर तो वो काफी शॉक हो गई थी। ऑफिस में सेक्रेटरी लुओ आकर सबको ये बताता है कि सारा ने डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया है, जिसे की अब 3 महीने के लिए अब्रॉड जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। और ये बात सुन के तो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और यहाँ पर लैंग को भी सारा पे काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। सेक्रेटरी लुओ के ये पूछने पर कि बॉस, अब सारा आपसे 3 महीने के लिए दूर हो रही है, तो क्या आप उसके बिना रह पाओगे? लैंग बोलता है कि हाँ, वो भले ही मुझसे दूर हो रही है, लेकिन हमारे दिल तो पास में ही रहेंगे। ये सुनकर सेक्रेटरी लुओ काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लैंग सारा को लेकर डिनर पर गया हुआ होता है, साथ ही उसे उसकी कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। जहाँ पर एक लेडी बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आ रही होती है, सारा को लगता है कि शायद ये फ्लावर्स सारा के लिए हैं, लेकिन वो तो किसी और के लिए होते हैं, तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। जहाँ लैंग उसे पूछता है कि लगता है कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, जहाँ वो कहती है कि ऑब्वियसली हर लड़की को पसंद होते हैं, तो इसलिए वो भी इसके लिए फ्लावर्स मंगवा लेता है। साथ ही उसे एक नेकलेस देता है प्यारा सा, और कहता है मैं ये तो नहीं जानता कि मैं परफेक्ट हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे फिर सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। ये सब को सुनकर सारा को काफी अच्छा फील हो रहा होता है। नेक्स्ट डे सारा जोब के साथ में मिलकर लैंग के लिए कुकीज बना रही होती है, और जब वो उसे खाने को देती है तो लैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जो कि वो डॉक्टर हाई के पास ले जाता है। और जैसे ही डॉक्टर हाई उन्हें खाने वाला होता है, बोलता है कि ये सारा ने सिर्फ मेरे लिए बनाई है, तो इसलिए मैं ही खाऊंगा। डॉक्टर लैंग को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए लेकर आए हो ना। जहाँ पर तभी लैंग के पास सेक्रेटरी लुओ की कॉल आती है, और उसे ये पता चलता है कि सारा जिस ट्रेनिंग पे जाने वाली है, मिस्टर शिन भी उसके साथ जा रहे हैं। ये सुन के तो बेचारा हमारा लैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो सो रहा होता है, तो फिर से उसे अचानक से अपना एक्सीडेंट वाला सपना आने लग जाता है, और सेक्रेटरी लुओ को कॉल करके बोलता है कि उसकी तबीयत आज खराब है, तो इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद ही बेल बजती है टिंग टोंग, और जैसे ही लैंग खोलता है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सारा होती है। लैंग उसे देखकर फटाक से दरवाजा बंद करने लग जाता है, लेकिन वो जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है और बोलती है कि मुझे सेक्रेटरी लुओ ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं आपको देखने चली आई। लैंग फटाक से जाता है, अपनी ड्रेस चेंज करके बैठ जाता है। सारा भी इसके लिए हनी वाटर लेकर आती है और उसे बोलते है कि बॉस फटाक से इसको पी लीजिए। और लैंग भी उसे छेड़ते हुए बोलता है कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो फिर तो मुझे बेबी या डार्लिंग जानू क्यों नहीं बुलाती हो, बॉस क्यों बोल रही हो। सारा बोलते कि बस बस आप बातें बनाना बंद कीजिए और जल्दी से इसे पी लीजिए। दोनों के बीच में खट्टी मीठी प्यारी सी नग जगाने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लगती है।
जहाँ पर तभी सारा के पास मिस्टर शिन की कॉल आती है और उसे बोलते हैं कि मैं प्लेन की टिकट करवाने जा रहा हूँ तो सोच रहा था कि तुम्हारी भी साथ में ले लूँ। ये सुनते ही लैम को बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। वो सोचता है कि मिस्टर शिन के साथ में मैं सारा को 3 दिन के लिए नहीं छोड़ सकता, यहाँ तो 3 महीने की बात है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपनी बीमारी का नाटक करने लग जाता है। सारा को भी अब लगने लग गया था कि शायद बॉस की ब्लड फोबिया वाली बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जहाँ पर तभी मिस्टर शिन फिर से सारा को मैसेज करते हुए बोलते हैं कि हमें पास पास की सीट लेनी चाहिए ना जूनियर, और ये देखकर तो भाई लैंग और भी ज्यादा जल भुन जाता है और फिर से अपनी बीमारी का नाटक करने लग जाता है। बोलता है कि लगता है कि मेरी ब्लड फोबिया वाली बीमारी फिर से वापस आ गई है, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। सारा बोलती है तो फिर इसके लिए तो हमें डॉक्टर हाई के पास जाना चाहिए ना, जहाँ लैंग उसे मना करने लग जाता है लेकिन जबरदस्ती वो उसे डॉक्टर हाई के पास ले जाती है। सारा डॉक्टर हाई से कहती है कि लैंग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है और अब तो इनको हर जगह बस लाल रंग ही दिखाई दे रहा है। ये सुनकर तो डॉक्टर हाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लैंग भी डॉक्टर हाई को कुछ इशारे करने लग जाता है अजीब अजीब से, और इसलिए डॉक्टर हाई सारा को बाहर ये बोलकर भेज देता है कि मुझे लैंग का चेकअप करना है। जैसे ही सारा बाहर जाती है लैंग फटाक से उठकर बैठ जाता है और डॉक्टर हाई को रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि भाई प्लीज 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 मेरा इस नाटक में साथ दे दे, दरअसल सारा 3 महीने के लिए मेरे लव राइवल के साथ में अब्रॉड जा रही है और ये मैं देख नहीं सकता और इसलिए मुझे सारा नाटक करना पड़ रहा है। डॉक्टर हाई भी सब कुछ समझ आता है और सारा को बुलाकर बोलता है लैंग की बीमारी फिर से वापस आ गई है और अब सिर्फ तुम ही हो जो कि उसे ठीक कर सकती हो और उसके साथ में रह सकती हो। सारा भी लैंग को वहाँ से ये बोलकर ले जाती है कि ठीक है मैं अब इनका ध्यान रख लूंगी, घर जाते ही वो लैंग का ट्रीटमेंट करवा देती है। साथ ही उसे बहुत ही अजीब अजीब से जूस पीने के लिए दे रही होती है और बेचारे हमारे हीरो के ऊपर ये झूठ तो इतना भारी पड़ गया होता है कि उसे वो सारे जूस पीने पड़ जाते हैं। गलती से जूस उसकी शर्ट पे गिर जाता है और सारा फिर उसे उतारने के लिए कहती है और हमारा हीरो तो हीरोइन के सामने ही अपनी शर्ट उतारने लग गया था। सारा उसे बोलती है अरे अरे रुको, क्या आप मेरे सामने ही अपनी शर्ट उतारने वाले हो? लैंग बोलता है कि हाँ तुमने ही तो बोला अभी, तो अब उतारू कि ना उतारू? सारा बोलती है कि जो भी मन हो करो, और वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी उसका पांव स्लिप हो जाता है और हीरो के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से 9:11 हो जाती है। वहीं सैंग जब लीना को स्विमिंग के लिए बुलाता है तो लीना उससे कहती है कि जब तुमने मेरे सामने अपना लव कन्फेशन किया था तो उस टाइम मैं होश में थी लेकिन मैं तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त मानती हूँ, जिससे कि जैंग काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। सारा लैंग को वॉक पर लेकर गई हुई होती है जहाँ वो उससे कहती है कि शायद हमें वही सारी चीजें दोबारा से दोहरानी चाहिए जो हमने पहले की थी और उससे आप ठीक हो गए थे। जहाँ लैंग उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक तो तब हुआ था जब तुमने मेरी फॉरहेड पे किस की थी। सारा बोलती है कि आप मजाक कर रहे हो ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट लैंग बोलता है कि यही सच है। जिसके बाद दोनों घर जाते हैं और सारा लैंग के फॉरहेड पर किस करके उसे पूछती है कि अब आप ठीक हो गए हो क्या। लैंग बोलता है कि नहीं अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, और उसके बाद वो उल्टा सारा के फॉरहेड पर ही किस कर लेता है। सारा के ये पूछने पर कि शायद अब आप ठीक हो गए हो, लैंग बोलता है कि नहीं मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ और शायद इसलिए हमें बार बार ऐसे ही कोशिश करते रहना चाहिए। सारा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है कि बाकी की कोशिश हम लोग कल कर लेंगे। जुबो को सारा लैंग की बीमारी के बारे में बताते हुए बोलती है कि मैं अब ट्रेनिंग पे नहीं जाऊंगी क्योंकि लैंग अभी भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे लैंग ये बोलकर सारा को लंच के लिए बुलाता है कि आज मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। दोनों लोग साथ में लंच बनाने लग जाते हैं जहाँ पर सारा का हाथ चाकू से कट जाता है। लैंग उसके पास फटाक से आता है और उसके हाथों की मरहम पट्टी करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन तभी सेक्रेटरी लो की कॉल उसे आ जाती है और वो उनसे बात करने लग जाता है, जहाँ पर सारा ने भी ये नोटिस कर लिया था कि लैंग को लाल रंग देकर चक्कर नहीं आ रहे। वो काफी खुश हो गई थी ये सोचकर कि शायद वो ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही वो लैंग से बात करने के लिए जाती है तो वो उसे सेक्रेटरी लुओ से फोन पे बात करते हुए सुन लेती है कि अभी उसने सारा का लाल खून देखा और वो एक्टिंग करना भूल गया, जिससे कि सारा को सब कुछ सच सच पता चल जाता है और वो लैंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। लैंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं ये एक्टिंग इसीलिए कर रहा था क्योंकि तुम मिस्टर शिन के साथ में 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हो और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। सारा बोलती है कि जान जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो फिर इस रिश्ते का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो काफी दुखी होती है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वो मिस्टर शिन से मिलती है तो वो उससे उसके साथ ना जाने का कारण पूछते हैं तो वो कहती है कि बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जहाँ फाइनली मिस्टर शिन भी सारा को बताने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम अभी भी साथ में चल सकते हैं।
लेकिन सारा कहती है कि मैं तो बस आपको अपना आइडियल मानती हूँ और इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर शिन सारा को कहते हैं कि हमारी सोच बहुत हद तक मिलती है और हम बिल्कुल ही एक जैसे हैं, तो शायद तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और तुम अपना जवाब मुझे सोचकर दे देना। जहाँ पर तभी लैंग भी बहुत ज्यादा है और सारा से पूछता है कि ये कौन से जवाब की बात कर रहा था, तो क्या तुम इसके साथ ट्रेनिंग पे जाना चाहती हो, और अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं अभी भी तुम्हें भेज सकता हूँ। लेकिन सारा बोलती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। लैंग अपना दुखड़ा डॉक्टर हाई के पास जाकर रो रहा होता है कि सारा मुझसे बात नहीं कर रही, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है। लेकिन तभी उसे सेक्रेटरी लोग की कॉल आ जाती है, बोलता है कि बॉस ऑफिस का पूरा स्टाफ कल एक ट्रिप पर जा रहा है, तो क्या आप भी जाना चाहेंगे। लेकिन लैंग उसे मना कर देता है, जहाँ डॉक्टर हाई उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि सारा वहाँ पर होगी, तो इसलिए तुम उसे और अच्छे से मना सकते हो। लैंग उसकी बात मान लेता है, डॉक्टर हाई को भी अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही वो लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं तो सारा जोबो के साथ में वहीं पर होती है, लेकिन वो तो लैंग का पूरा पूरा इग्नोर मार रही होती है। डॉक्टर हाई और जोबो भी उन दोनों को नोटिस कर रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर हाई फिर जोबो से जाके बोलते हैं कि शायद हमें इन लव बर्ड्स को मिलाने में थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, जहाँ जोबो भी उनके हाँ में हाँ मिलाती है और उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। डॉक्टर हाई लैंग और जोबो सारा को एक दूसरे के पास भेज देते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लैंग बहुत बार सारा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारा उसे बोलती है कि आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। लैंग फिर उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, ऐसे मैं भी तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन जाऊँ। सारा उसे ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, और जाकर वह सीधा मिस्टर शिन को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैंने सोच लिया है, और साथ ही उन्हें ये भी वो बता रही होती है कि मैं लैंग से प्यार करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शिन बेचारे थोड़ा सैड हो जाते हैं। शाम के टाइम पे सब लोग ट्रुथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ सारा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, और तो इसलिए लैंग उसे उठाकर उसके रूम में जाकर लिटा देता है, जहाँ सारा उससे नशे में बोलती है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो, ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है, और उसके बाद दोनों आपस में प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सारी लड़कियां एक जगह पर होती हैं। सेक्रेटरी लू उन सबको गेम खेलने को कहता है, जिसमें सभी लड़कियों को लड़कों को ढूंढना होता है, और साथ ही वो उन्हें एक मैप भी देता है। सबसे पहले लीना सैंग को ढूंढ लेती है और उसे अपनी दिल की बात बताने लग जाती है। सैंग उसे कहता है, लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करती थी ना। लीना बोलती है कि हाँ, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फाइनली फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे पास कोई नहीं था तो मेरे पास सिर्फ तुम थे, और तुमने मुझे हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, और ये बोलकर फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारा भी लैंग को ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे आगे बढ़ी रही होती है। लैंग ने उसके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ था, उसने सारा के साथ भी अपनी पेंटिंग जगह जगह लगाई हुई थी। ये सब कुछ सारा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और उसके बाद वो लैंग से मिलती है, जहाँ लैंग उसे बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है, तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। सारा भी हाँ में जवाब देती है, फिर दोनों किस करते हैं। जहाँ पर तभी अचानक से कैल्विन पहुंच जाता है और अपना बदला लेने के लिए वो लैंग पर हमला करने लग जाता है, जहाँ सारा पहले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारा को भी मारने वाला था। लैंग बीच में पहुंच जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। जैसे ही वहाँ पर कोई आता है, कैल्विन वहाँ से भाग जाता है। लैंग अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, जहाँ पर उसे अपने बचपन वाली एक्सीडेंट की बातें याद आती हैं। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके फादर की डेथ उसके सामने हुई थी, और वो बहुत ज्यादा दुखी था, रो रहा होता है। जहाँ पर एक लड़की आती है उसके फॉरहेड पर किस करके उसे बोलती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लैंग को ये देखते ही अचानक से होश आ जाता है। सारा उसके पास ही बैठी होती है। लैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने बचपन में किसी कार में फंसे बच्चे के फॉरहेड पे किस की थी क्या। सारा बोलती है कि मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ शायद मैंने की थी। लैंग बोलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जहाँ सारा बोलती है शायद हमारी किस्मत उसके बाद से ही आपस में जुड़ गई है। लैंग अब ठीक हो चुका था, इसलिए डॉक्टर उसे डिस्चार्ज दे देते हैं, और जैसे ही सारा उसे घर लेकर आती है, लैंग उसे बोलता है, मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कंपनी के सीईओ की पोस्ट मैं जैंग को दे दूंगा। जैंग लीना और अंकल भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, ये बात वो सुन लेते हैं, और वो लैंग पर काफी गुस्सा होने लग जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। लैंग पूरी तरह से चेंज हो चुका था, ये बात देखकर वहाँ पर डॉक्टर हाई के साथ साथ सब लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचता था वो इतना ज्यादा चेंज हो गया था।
लैंग एक शांत जगह पर सारा के साथ में जाना चाहता था, तो इसलिए सारा उसे अपने गांव ले जाती है जहाँ उसके मॉम डैड अभी नहीं थे, तो इसलिए वो लोग साथ में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं। जब वो लोग एक्सरसाइज के लिए गए हुए होते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी लेडीज मौजूद होती है वहाँ पर, जिन्हें लैंग फिर एक्सरसाइज सिखाने लग जाता है। सारा के पास सुबह की कॉल आती है, सारा उसे दिखाती है कि देखो लैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। सुबह भी ये देखकर इतनी हैरान हो जाती है कि लैंग जो कि इतना ज्यादा खड़ूस और इतना ज्यादा इगोइस्टिक था, वो इतनी जल्दी इतना प्यारा बच्चा कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ जैंग और लीना भी डेट करने लग गए थे और लीना के डैड जैंग से बोलते हैं कि अगर तुम परमानेंट इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे तो मैं तुम्हारी शादी लीना से करवा दूंगा। जैंग भी डैड से बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश करूंगा। वहीं फिर हमें ये पता चलता है कि लीना के डैड कैल्विन से मिले हुए थे, जिसने की सारी पेंटिंग चुरा कर सारे टॉयज को मैन्युफैक्चर किया था, जिससे कि उनकी कंपनी की बहुत ही ज्यादा बुराई हो रही थी और कहा जा रहा था कि उनकी कंपनी एक फ्रॉड है, क्योंकि वो लैंग को नीचा दिखाकर उसे सीईओ की पोस्ट से हटाना चाहते थे। वही फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि लैंग को ये सारी बातें सेक्रेटरी लुक के द्वारा ऑलरेडी पता चल चुकी थी और इसलिए वो कंपनी में वापस आ गया था। ये सब उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग का एक हिस्सा था कि वो रिटायर होने वाला है ताकि वो लीना के डैड को रंगे हाथों पकड़ सके। लैंग जैंग को समझा रहा होता है कि हमें अपने रिलेशंस को बिजनेस से एकदम ही अलग रखना चाहिए, लेकिन जैंग तो उल्टा लैंग पर ही गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये तुम्हें मुझे समझाने की या सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। वो लैंग से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जहाँ पर तभी लीना के डैड आते हैं और उसे बोलते हैं कि हम अभी भी लैंग को हटाकर तुम्हें सीईओ बना सकते हैं और उसे बहुत ज्यादा फुसला रहे होते हैं, जहाँ फाइनली जैंग भी समझ जाता है कि लैंग सही बोल रहा था, ये सब कुछ लीना के डैड का ही किया धरा था। नेक्स्ट डे जब सारा लैंग को मिलने के लिए जाती है, देखती है कि लैंग अपने कंपनी के हालातों को सुधारने में बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, काफी ज्यादा टेंशन में होता है, तो इसलिए पहले तो वो उसे खाना खिलाती है और उसके बाद वो उसे मॉल ले जाती है, दोनों साथ में गेम खेलते हैं जिससे लैंग का मूड अच्छा हो जाता है। साथ ही उसे एक आइडिया भी मिल गया था जिसके लिए वो सारा को थैंक यू बोलता है और फिर वो ये टेलीकास्ट करवा देता है कि हमारी कंपनी से जिन लोगों को भी खराब या बेकार टॉयज मिले थे उन्हें हमारी कंपनी दोबारा से नए टॉयज लाकर देगी, जिससे कि भाई पब्लिक तो खुशी के मारे पागल ही हो जाती है और लैंग की कंपनी पहले की तरह ही फिर से ऊंचाइयां छूने लग जाती है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सीईओ की वोटिंग के लिए लैंग एक बार फिर से जीत जाता है और दोबारा से सीईओ बन जाता है। साथ ही वो लीना के डैड को जाके सब कुछ बता देता है कि उसे सच्चाई का सब कुछ पहले से पता चल चुका था और जो कुछ भी अभी तक आपने मेरी और मेरी कंपनी के साथ में किया उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जैंग की वजह से ही माफ कर रहा हूँ। वो जैंग का होने वाला ससुर है तो इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो अब उन्हें सब कुछ भूलकर दोबारा से एक नई जिंदगी को स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई लैंग और जैंग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां जैंग अपने भाई की काफी तारीफ कर रहा होता है, पहली बार वो उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि आप तो सब में बेस्ट भाई हो, साथ ही हमारी कंपनी के सीईओ बनने के लायक तो सिर्फ आप ही हो, मैं तो एक सिंपल एम्प्लॉय बनकर ही खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है लैंग जोबो और डॉक्टर हाई के साथ मिलकर सारा को शादी के लिए प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके बाद जोबो सारा को लैंग के पास लेकर आती है, जहां जैंग और डॉक्टर हाई उसके लिए मस्त डांस करते हैं और फिर फाइनली हमारा हीरो हीरोइन को शादी के लिए प्रपोज करता है। सारा पूरे दिल से उसे हाँ बोलती है और फिर दोनों लोग आपस में किस करते हैं और उनकी इस प्यारी किस के साथ ही गाइस हमारा ये ब्यूटीफुल ड्रामा का द एंड हो जाता है, जो कि एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन साथ ही ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा देखना पसंद करोगे ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।